लोकसभा चुनाव के अंतर्गत बड़वानी क्षेत्र में मतदान अच्छा रहा है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने भी अपने गृह ग्राम कासेर में अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। गृह मंत्री बाला बच्चन 12 बजे ग्राम कासेर पहुंचे और मतदान कर खुशी जाहिर की। वहीं गृह मंत्री बाला बच्चन ने मीडिया से चर्चा के दौरान भारी मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी के विजय होने का दावा भी किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले जो विधानसभा के चुनाव में हमने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन दिए थे, उन वचनों को हम लोगों ने पूरा किया है। उसमें मोटे और बड़े जो वचन जो थे कि किसानों को हम कर्जा माफ़ करेंगे, 10 हॉर्सपावर तक के बिजली के बिल हम माफ़ करेंगे जो खेती को लगती है, और घर की बिजली जैसे 100 रुपये में 100 यूनिट, 200 यूनिट हम मात्र 300 रुपये में देंगे। पेंशन हम लोगों ने जो बढ़ा दिए, 600 रुपये कर दिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमने 51,000 कर दिए। इन मापदंडों पर मध्य प्रदेश की जनता का दिल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीता है। ये मेरे साथ में मेरे गांव का किसान है, ये सुभाष पिता मना जी, इसका 2.25 लाख रुपये कर्जा माफ़ हुआ है। भाजपा एक तो ये बोलते हैं कि कर्जा माफ़ नहीं हुआ, आप जानना चाहो तो इन्हीं से जान लीजिए, मेरे पास खड़े हैं, मेरे गाँव के किसान है। SBI का, SBI बोरलाई का 2.25 लाख रुपये कर्जा माफ़ हुआ है। तो इन मापदंडों पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम खरगोन बड़वानी की सीट लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से हम जीतेंगे। धार और झाबुआ भी हम जीतेंगे, इंदौर भी जीतेंगे और खंडवा भी जीतेंगे। आज जो वोटिंग हो रही है, इंदौर संभाग की हम सभी सीटें जीतेंगे।